नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार को रतन टाटा के निधन के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनके बाद किसके हाथों में टाटा ग्रुप की कमान होगी, लेकिन आज मुंबई में एक बैठक हुई थी जिसमें रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बना दिया गया है। बता दें, बैठक में ये फैसला सभी के सहमति से लिया गया है। इसके तहत नोएल को टाटा समूह के दो सबसे महत्वपूर्ण धर्मार्थ संस्थान यानी कि सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे इन संस्थानों में ट्रस्टी के तौर पर शामिल, अब इन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। अब इतने बड़े पद पर नोएल को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनाने का पहला कारण इनका सरनेम। असल में टाटा ग्रुप के साथ करीब से जुड़े पारसी समुदाय में ज्यादातर लोगों का कहना था कि चेयरमैन उसे बनाया जाए जिसके नाम में टाटा जुड़ा, इसलिए नोएल को एक मत से चुन लिया गया। दूसरा कारण है, नोएल टाटा ग्रुप से 40 साल से ज्यादा समय से जुड़े थे। नोएल टाटा सर दुराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया, इन ट्रस्ट का टाटा सन्स में मेजॉरिटी शेयर है। टाटा ग्रुप के साथ लंबे समय से जुड़ाव और इन ट्रस्ट में अपने रोल की वजह से नोएल चेयरमैनशिप के लिए फ्रंट रनर। तीसरा कारण यह है कि नोएल 2014 से ट्रेंट लिमिटेड के चेयरमैन, ट्रेंट जूडियो और वेस्ट साइड की ओनर है। इनकी लीडरशिप में पिछले 10 साल में कंपनी के शेयरों ने 6000% से ज्यादा की तेजी आई। चौथा कारण है रतन टाटा की फिलॉसफी। बोर्ड ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन मीटिंग में उन्हें श्रद्धांजलि दी और ट्रस्ट के चेयरमैन पर फैसला लिया। ये फैसला रतन टाटा की फिलॉसफी पर ही लिया गया जो कहती है कि चलते रहना, जीवन में कुछ भी हो चलते रहना, यानी लीडरशिप में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए चाहे कि कोई भी परिस्थिति आए। अंतिम कारण यह भी माना जा रहा है कि नोएल को इस जिम्मेदारी के लिए कुछ समय पहले से ही तैयार किया जा रहा था और जब चुकी रतन टाटा सर नहीं रहे, इसके बाद ये जिम्मेवारी इनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब कौन है नोएल टाटा, ये जानिए। नोएल नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन की बेटी, वहीं रतन टाटा और जिम्मी टाटा नवल और उनकी पहली पत्नी सोनी की संतान। नोएल ने यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस से पढ़ाई की। नोएल ने टाटा इंटरनेशनल से अपनी कैरियर की शुरुआत की। 1999 में वे ग्रुप की रिटेल शाखा ट्रेंड के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। इसे उनकी मां सिमोन ने शुरू किया था। 2010-11 में उन्हें टाटा इंटरनेशनल का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद उनके ग्रुप के चेयरमैन बनाए जाने पर चर्चा शुरू हो गई। इस बीच साइरस मिस्त्री ने खुद टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाए जाने की बात कही। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया और रतन टाटा ने ग्रुप की कमान संभाली। 2018 में उन्हें टाइटन का वाइस चेयरमैन बनाया गया और 2017 में उन्हें ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया। नोएल के तीन बच्चे हैं, माया, नेवल और ली। नोएल टाटा के बड़े नोबल टाटा जो बेटे हैं 2016 में ट्रेंड में शामिल हुए और हाल ही में स्टार बाजार के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। नोएल टाटा की बेटियां भी टाटा ग्रुप की कंपनियों में शामिल। 39 वर्षीय ली टाटा को हाल ही में इंडियन पोर्टल्स में गेटवे ब्रांड का प्रभार दिया गया। वहीं 36 साल की माया टाटा की एनालिटिक्स और तकनीक में दिलचस्पी रखती हैं। वो टाटा डिजिटल में काम करती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोएल टाटा की नेटवर्थ करीब 1.5 अरब डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में देखें तो 12,455 करोड़ रुपए के आसपास। अब हमने आपको नए जो चेयरमैन साहब हैं उनके बारे में तमाम जानकारी दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।